अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैसेज सब मिटा दिए हैं, देखो। अरे अब डरने का कोनो जरूरत नहीं है, हम रावण को भी जला दिए हैं और बुराई को भी खत्म कर दी है। अब बुराई इस घर में कभी लौट के नहीं आएगी। नहीं, डरो मत, तुम रुको, हम अभी मोमबत्ती लेके आते हैं। अच्छा एक काम करो, तुम लोग हमारे साथ ही चलो, आ जाओ, चलो हाथ पकड़ो जल्दी से, चलो धीरे धीरे चलना। हाँ आराम से इधर 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 इधर, यहाँ तुम दोनों चुपचाप से सोफा में बैठो, हम अभी मोमबत्ती लेके आते हैं। जल्दी आना, हमें डर लग रहा है। और अम्मा हमें भी जल्दी आना। हाँ 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 जल्दी आएंगे, एकदम जल्दी आएंगे, जा रहे हैं और आ रहे हैं तुरंत। हाँ तो देख लेने दो ना, अरे उनको भी तो पता चले कि उनके पापा उनकी अम्मा से कितना प्यार करते हैं। पहले जरा मोमबत्ती जला ले। हाँ ओके। चलो ये देखो मोमबत्ती मिल गया, चलो चलो अपना कमरा चलो। वेरी गुड, मम्मी बच्चा टीम, पापा को अकेला छोड़ दिया। अम्मा पापा तो अकेला फील कर रहे हैं ना? हाँ। लाइट भी आ गई। आग आग, राजीव के कमरे में आग। तुम लोग इधर ही बैठो, यही बैठो। आग लग गई है, कोई है? आग लग गई, देखो। राज, ये आग कैसे लग गई? वही तो, पता नहीं कैसे लग गई आग, कोई तो यहाँ पर था भी नहीं, अब यहाँ कैसे लग गई? तुम यहाँ आई थी ना, तुम्हें ना आग लगते देखा ना खुशबू? क्या किया तुमने जो आग लग गई? जवाब दो, क्या किया? हमने हमने क्या किया है? हम तो गुजर रहे थे यहाँ से, हमने हमने देखा कि आग लग गई, बस हम चिल्ला पड़े। हंसनी, नहीं ऐसा तो नहीं है कि हंसनी दूर बैठे बैठे कुछ जादू टोना करके यहाँ पर आग का ये खेल खेल रही हो? अफवाह बंद करो, दूर बैठे बैठे मतलब इस घर में हंसनी का नाम भी मत लीजिएगा। देखिए बच्चे कितना घबरा रहे,
सब पे नजर है अमर, कोई कुछ भी बोलेगा सुनेंगे हम, इसीलिए जो कुछ भी बोलना है ना सोच समझ के बोलिएगा। नजर है आप पे हमारी, और ये कोई अनसनी वनसनी का काम नहीं है। आग का तिनका आया होगा खिड़की से और लग गई है आग, ना तो वो कुछ हमारा बिगाड़ सकती है ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। अनसनी चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए लौट कर कभी वापस नहीं आएगी, समझ गए सब? हाँ हाँ, ये आखिरी बॉक्स है हंसनी का, बाकी सारा सामान हमने कल ही रखवा लिया था। और कुछ तो नहीं, देखना ये है कि इसमें हंसनी का मोबाइल है या नहीं। हमको यकीन था कि ऐसे ही कुछ होगा, इसमें दीदी का मोबाइल नहीं होगा, लेकिन जब दीदी गुजर गई तो रनापर के फोन पर दीदी का फोन कैसे आ सकता है। मैंने सोचने का बात है कि दीदी का फोन अगर इधर नहीं है तो फिर कहाँ है। हंसनी और किडनैपर के बीच की बातचीत में एक बात है जो खास गौर करने वाली है। किडनैपर के मोबाइल से मिले डेटा के अनुसार हंसनी को गोली लगने से पहले हंसनी और किडनैपर के बीच की सारी बातचीत वॉइस मैसेज और फोन कॉल दोनों के जरिए हुई है। दोनों के बीच काफी दफा कॉल पर भी बातचीत हुई है, लेकिन किडनैपर ने जब जब हंसनी को कॉल किया कॉल उस तक गया ही नहीं। हंसनी ने हर बार फोन काट दिया। आपका ये जो बात है इससे कहाँ साबित होता, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हंसनी दीदी का फोन वो इस्तेमाल कर रहा है और किडनैपर से संपर्क करने के लिए। हाँ ये तो पता नहीं, पर एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। गोली लगने के बाद हंसनी किडनैपर से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, क्यों? वो सिर्फ मैसेज क्यों कर रही थी? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारा खेल चौपट हो गया। हंसनी बनके किडनैपर से बात की, बच्चों को किडनैप करवाया। सोचा था बच्चों को किडनैप करवा के पैसे वसूलेंगे, लेकिन उससे पहले ही राजीव और कुहू ने बच्चों को बचा लिया। हंसनी को गोली लगने के बाद में उसका मोबाइल हमने अपने पास रखा, और जब ये खबर फैली कि हंसनी मर चुकी है, हमने उस बात का फायदा उठाया। शक तो हमें भी है कि हंसनी सच में मर गई है या अब भी जिंदा है, और ये तो सच है कि बच्चों को किडनैप करवाने का और उन्हें मरवाने का प्लान हंसनी का था। हमने तो सिर्फ प्लान को पूरा करने की कोशिश की। अब बंद करो हंसनी के बारे में सोचना। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके कुकर्मों का फल था। अब वो जहाँ कहीं भी है हमसे बहुत दूर है, वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमें भी लगता है कि राजीव एकदम सही कह रहा था, कमरे में आग लगना महज एक इत्तफाक था, इसमें हंसनी का कोई लेना देना नहीं है। भाभी वैसे अब तो हंसनी के पास कोई शक्ति नहीं बची है, उसका आखिरी हथियार कनक थी और अब वो भी उसके हाथों से निकल चुकी है, वो लड़ाई भी वो हार चुकी है। वक्त आ गया है तुम अब भोलेनाथ का नाम लेके अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करो। हंसनी का अध्याय खत्म हो चुका है, तुम अपने जीवन का नया अध्याय नई उम्मीद के साथ शुरू करो, बिना किसी डर के कि कोई अनहोनी हो जाएगी। निकाल दो अपने मन से सारा डर। देखिए दो से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।